जीजा ने साले की पत्नी के साथ मिलकर की साले की हत्या। मोटरसाइकिल पर रस्सी से बांध कर की हत्या। रावण देखने के बहाने बुलाया था जीजा ने साले को। पहले तोमर होटल पर खिलाया खाना, फिर हत्या कर झाड़ियों में छुपाया। खाना खिलाने के बाद ट्रक दिखाने की कहकर मोटरसाइकिल पर बिठाया, मोबाइल भी जंगल में फेंका। खबर मदकपुरा की है। यहाँ रहने वाले अजब सिंह पाल रावण दहन की देखने की कहकर घर से निकला था। जब वो रात घर नहीं आया तो परिजनों ने तलाश की, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस पर कल पुलिस को सूचना मिली कि मझेरा के जंगल में एक अज्ञात लाश मिली है। इस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए शव की शनाख्त की तो वो अजब सिंह का निकला, जिसके सर में चोट के निशान है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी से पूछताछ की तो मालूम चला कि मृतक की पत्नी से मृतक के जीजा के संबंध थे, जिसके चलते अजब सिंह पाल की हत्या की गई है। एक यहाँ पे मर्डर हुआ था थाना देहात क्षेत्र में, अजब सिंह पाल करके व्यक्ति था, इसकी डेथ हुई थी। और ये 15 तारीख को रावण पे दशहरा देखने गया था, उसके बाद से घर नहीं आया था। तो गुमसुदगी कायम करवाई थी परिवार वालों ने, और बाद में इसकी डेड बॉडी मिली थी हमको मझेरा के जंगल के पास में, झाड़ियों में छुपा के रखा था। इसमें 302 कायम किया गया था, इसके गले पे निशान थे और पैरों में रगड़ने के निशान थे। इसमें थाना हमारे एडिशनल SP प्रवीण भूरिया और SDOP अजय भार्गव, इन्होंने TI विकास यादव के साथ मिलकर पूरी लगातार टीमें लगाई रही। इसमें जब जानकारी निकाली गई तो इसमें ये पता चला कि इसमें मृतक की पत्नी के अवैध संबंध उसके बहनोई से थे, और उसके चलते बहनोई ने अपने एक साथी को बुलाकर इस घटना को अंजाम दिया था उसके कहने पर। इसमें तीनों आरोपियों को पकड़ा है। इसमें ये घटनाक्रम ये आया है कि रावण के बाद में बहनोई अपने साथ में मोटरसाइकिल में इसको मृतक को ले गया था, और बाद में रास्ते में उसका गला रस्सी से घोंट दिया गया था हेल्पर के द्वारा, और बॉडी को जंगल में छुपा के कोशिश की गई थी कि उसकी शिनाख्त वो मतलब मिले नहीं।